फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा दिलचस्प लेसन जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मैं पसंद करता हूं के लिए आप कहते हैं आई लाइक, जैसे मैं आपको पसंद करता हूं आई लाइक यू। लेकिन पसंद करने के लिए आप वर्ड फैंसी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको पसंद करता हूं आई फैंसी यू। तो क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है? अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों एक ही है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहां लाइक बोला जाता है वहां फैंसी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि आपको कब आई फैंसी यू बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वर्ड लाइक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई चीज हमें नॉर्मल पसंद है, जैसे आई लाइक दिस, आई लाइक यू, आई लाइक दिस वेदर, आई लाइक कॉफी। लेकिन पसंद करने के लिए आप फैंसी वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ रोमांटिक वे में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी को रोमांटिक तरीके से पसंद करते हैं तो आप लाइक की जगह बोलेंगे आई फैंसी यू। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्ड फैंसी का इस्तेमाल मॉम, डैड, टीचर, बॉस, अंकल जैसे लोगों के साथ नहीं किया जा सकता। आप वर्ड फैंसी का इस्तेमाल किसी लड़की के साथ कर सकते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, या फिर आप अपने बीबी के साथ कर सकते हैं, जैसे आई फैंसी दीपिका, मैं दीपिका को पसंद करता हूँ, आई फैंसी हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, या आई फैंसी दैट गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि वर्ड फैंसी का मतलब पसंद करना तो होता है, लेकिन जब आप किसी को रोमांटिक वे से पसंद करते हैं यानी आशिकाना अंदाज में पसंद करते हैं तो आप वर्ड फैंसी का इस्तेमाल करेंगे। आइए वर्ड फैंसी का दूसरा यूज देखते हैं। जब आई फैंसी के बाद एक क्लॉज लिखा हो, जैसे आई फैंसी आई हैव सीन हिम समवेयर, तो यहाँ पर आई फैंसी के बाद एक क्लॉज आया हुआ है। इस सूरत में आई फैंसी का मतलब आई थिंक या आई इमेजिन होता है, यानी मुझे लगता है, जैसे आई फैंसी आई हैव सीन हिम समवेयर। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फैंसी यू हैव कम हियर फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब कोई कहे आई फैंसी और उसके बाद एक क्लॉज बोले तो फिर आपको समझना चाहिए कि यहाँ आई फैंसी का मतलब आई थिंक या आई इमेजिन होता है। आइए फ्रेंड्स, वर्ड फैंसी का अब लास्ट यूज देखते हैं। दिस इज अ फैंसी कार, यानी यह एक अलबेला कार है या यह एक खूबसूरत कार है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कार एक नाउन है, उसके पहले मैंने बोला फैंसी, यानी यहाँ पर वर्ड फैंसी का इस्तेमाल एक एग्जेक्टिव की तरह हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड फैंसी का मीनिंग अलबेला या खूबसूरत या अट्रैक्टिव है। यह एक खूबसूरत मोबाइल है, तो के लिए आप कह सकते हैं दिस इज अ फैंसी मोबाइल, यानी यह मोबाइल बहुत अलबेला है, बहुत हटकर है, बहुत प्यारा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।